शिशु क्या हुआ मधु? चलो गाना खाते हैं। ये सब आपकी गलती है अम्मा। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। आप उसके ऑफिस में क्यों गई? अगर आपको लगता भी था कि मैं उससे पसंद करती हूँ तो भी किसी भी आदमी के ऑफिस में जाके उसके पे स्लिप के बारे में? जी अम्मा, व्हाई व्हाई सच डेस्परेशन? आपने आज तक मुझे जो भी कहा है मैंने किया। चुपचाप स्लीवलेस ड्रेस पहनने से लेकर परिचय सम्मेलन में जाने तक आई डिड एवरीथिंग। अब सबके सामने अपना मुंह खोला बिना मुझसे कुछ पूछे आपके साथ खड़ी रही मैं अम्मा। सबसे मैंने झूठ बोला कि कोई है मेरी जिंदगी में सिर्फ आपकी बात रखने के लिए। और ईशु तुम उसका फोटो इंटरनेट पे अम्मा मैं किसी की भी फोटो देखूं तो ये मतलब नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और कोई कारण? लेकिन अम्मा अपनी गलत फहमी के कारण हम सबकी इंसल्ट हुई है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? मैं नहीं बन सकती हूँ। लेकिन अम्मा मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई भी आके आपकी इंसल्ट करके जाए। आज उस आदमी की हिम्मत हुई है आपकी इंसल्ट करने की, आपको गोल्ड डिगर बोलने की। क्यों? आप अम्मा, आप उसके ऑफिस में गई थी। वो आदमी तो है ही ऐसा, सनकी है, पागल है। लेकिन अम्मा कैसे ही सहन करूं कि मैं नहीं सहन करती हूं अम्मा। इशु ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, बहुत अच्छे लड़के के साथ कराऊंगी। एक एक लड़का आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। मुझे नहीं मिलना है किसी लड़के से अम्मा, मत करो अब ये सब। मुझे और पंजाबियों को दिखाना है कि मेरी बेटी 2 रुपए की नहीं है। ये जो आपने मेरी शादी का चैलेंज बनाया हुआ है ना अम्मा, इसी कारण से लोगों को मौका मिलता है मेरे बारे में ये सब बातें करने का। प्लीज याद रखो, उस परिवार से या उस रमन कुमार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कि वो बच्ची अम्मा शरुई के लिए बहुत चिंता होती है अम्मा। ईशु बेचारी कैसे रह रही है ऐसे माहौल में, ऐसे दादा दादी के साथ, ऐसे पिता के साथ। ईशु अभी तुम कोई चिंता मत करना। अब जहाँ तुम्हारी शादी की बात करूंगी मैं, सबसे पहले मैं सच बताऊंगी, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगी। सच, पूरा सच बताने के बाद ही तुम्हें उस लड़के से मिलवाऊंगी, उससे पहले नहीं। मैं दिखाऊंगी उन पंजाबियों को। पंजाबी अम्मा। वो साफ करो, वो लोगों के सामने जाना है ना, वो लोग क्या समझेंगे?
सीक्रम मांगो सीक्रम। वो लोग वेट कर रहे होंगे। ईशु का एंगेजमेंट है। कोई वेट नहीं कर रहा। एंगेजमेंट टूट गए, टूट गए, टूट गए, टूट गए, टूट गए। वहां कोई नहीं है। घर चलते हैं, डोंट वरी, बहुत छोटी बात है। चलो, समझ में नहीं आता इस लड़की को क्या बोलूं। तुम इतनी अच्छी हो, जितनी प्यारी हो, सबका कितना ख्याल रखती है, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा। गलत बोला मैंने। हमको लगता है हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, पर नहीं, नहीं ले ले। एक छोटी सी बच्ची की जान बचाने के लिए मेरी ईशु को इतना बड़ा पनिशमेंट। एंगेजमेंट फिर से टूट गया। अम्मा क्या करे ना हम लोग। अच्छी सीख आपने मुझे दी, अच्छी सीख वापस तो नहीं ली जा सकती है ना। नहीं, आपने सिखाया, मैंने सीख लिया। अम्मा look at the positive side. प्रतीक का इतना बुरा साइड हमें टाइम पर देखने मिला। अम्मा वो मेरा कभी भी साथ नहीं दे पाता, तो उसके लिए अपने ईश्वरा को क्यों दोष देना। कुछ नहीं है, छोटी सी चीज थी। लेट्स गो। अम्मा क्यों, कहाँ जा रही हो? मैं वो पंजाबी लोगों को सॉरी बोल के आती। मैं रमन कुमार से कहती प्रतीक से बात करो, प्रतीक को समझाओ, अभी भी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे मालूम है प्रतीक सुनेगा तो सब ठीक हो जाएगा। नो, अब हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी से माफी नहीं मांगेंगे, किसी को कुछ नहीं समझाएंगे। It's all done. प्रसाद की थाली पड़ा। मुझे किसको देना है प्रसाद? रूही को। लाइक डब्बा लेके जल्दी। रोमी, रूही को आज प्रसाद नहीं मिला था, ये दौड़ के उसे दिया। मैं दे आऊं। रमन तू जाएगा उस घर में? हाँ
मेरी मीटिंग है वहां पर, उसका घर रास्ते में है। अच्छा, जब तू उससे मिलेगा ना तो ये प्रसाद उसे अपने हाथों से खिलाना और बहुत प्यार करना उसे, और पुत्र उससे कहना कि दादी ने ये मीठा मीठा प्रसाद और बहुत सारा मीठा मीठा प्यार भेजा है। मैं ऊपर तक नहीं जाऊंगा, मुझे गार्ड को भी दूंगा। कितना प्यार करता है रूही से कि उसकी एक झलक देखने के लिए ऐसे बहाने बना रहा है। उस औरत ने इसे सब कुछ छुपाना सिखा दिया है। अपनी बेटी की मोहब्बत भी सबसे छुपाए फिरता है, दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो खामोशी से सहता रहता है। मुझसे अपने पुत्र के दिल का दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर इशिता, आई आस्क्ड, आपका रूही से क्या रिश्ता है? रूही के साथ रिश्ता कैसे समझाऊं? अगर हम लोग कानून की डोर से नापे तो मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। अगर हम दुनिया की नजर से देखें तो भी हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। मैंने इसे जन्म नहीं दिया ना, मैं इसकी माँ नहीं हूं, ना इसकी मौसी हूं, ना बहन हूं, कोई भी नहीं हूं इसकी। खून का रिश्ता नहीं है हमारा, ना पालने पोसने का। लेकिन पता है, मेरा दिन भी रूही के साथ होता है और रात भी रूही के साथ होती है। उसके ख्यालों के साथ मेरा दिन बीतता है। हर पल मन में ये ख्याल होता है कि रूही कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो ठीक है कि नहीं है। मन परेशान रहता है, रह रहे के ख्याल आता है कि क्या आज उसका फेवरेट खाना किसी ने उसे बना के खिलाया होगा, क्या उसकी फेवरेट कहानी उसको सुना के किसी ने उसे सुलाया होगा। वो खुश तो है ना, पता है वो हंसती है, मेरे चेहरे से हंसी फूट पड़ती है, वो रोती है, मेरी आंखें नम हो जाती है। वो अपने माँ बाप की लड़ाई के बीच में पिसती है और यहाँ मेरा दिल टूटता है। और आज कोर्ट की दलीलों में जब लोग रूही की खुशी को छोड़कर अपने अपने हार और जीत के बारे में सोच रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। I don't know how to define this relationship. क्या क्या नाम दूं मैं इसे? इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। हाँ, लेकिन इस रिश्ते के कारण मुझे बहुत सारे नाम मिले। किसी ने बांझ कहा, किसी ने बच्चा चोर, कभी किडनैपर, तो कभी डेस्परेट वुमन। ये सब कुछ बहुत छोटा लगा मुझे इसकी खुशी के आगे। रूही की खुशी इन सब चीजों से बहुत बढ़कर है। हमारे रिश्ते को आप लोग किसी शब्द में नहीं तोल सकते। इसके माँ बाप की लड़ाई के बीच जब 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 रूही के मन में अनकहे सवाल दिखते हैं, उसकी डरी हुई आंखें सवालों से भरी होती है, मैं पल में समझ जाती हूँ और शायद मैं इसके हर सवाल का जवाब दे पाती हूँ। जब ये मेरे पास रोते हुए आती है, मेरा पल्लू पकड़ती है, चुपके से इसका आंसू पोंछ के कुछ भी कहानियां सुनाती हूँ और ये हंस पड़ती है। वैसे रोते से हंसाना आता है मुझे, ऐसा है हमारा रिश्ता। और आज जब इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, बहुत उथल पुथल है मेरे दिल में, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। मैं बस वहां बैठी चुपचाप फैसला देख सकती हूँ। आई एम नोबडी टू हर। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इतना सा रिश्ता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं। प्लीज प्लीज, आप लोग जो भी फैसला लें, आप लोग आप सब आप लड़िए रूही के लिए, लेकिन प्लीज उसके हित में लड़िए, उसकी खुशी के लिए लड़िए। आप लोग जो भी फैसला लें, प्लीज उसको खुश रखने के लिए लीजिए। बिकॉज हमारी रूही के चेहरे पे
न डर अच्छा लगता है और ना ही आंसू। सिर्फ हम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है हमारी रूही, और उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। सो प्लीज मानिएगा मेरी रिक्वेस्ट। मैंने कल सबको बहुत बुरा भला कहा, मुझे समझना चाहिए था। जैसे कि तैयारियां दे लड़का। अम्मा क्यों इतना सोच रहे हो आप? आपको जो फिक्र है ना आपके बच्चों को लेके, ये हर कोई वैसे भी नहीं समझ सकता, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। पता है ये बातें तो मुझे भी पहले नहीं समझ में आती थी, अब भी शुरू हुई है समझ में आना ये बातें। पता है कब से? जब से मैं रूही से मिली हूँ, तब से मुझे समझ में आना चालू हुआ है कि एक माँ कितनी प्रोटेक्टिव हो सकती है एक बच्चे को लेके, और उस प्रोटेक्शन के आगे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। एक माँ यहाँ से सोचती है, यहाँ से नहीं ना। तो अम्मा दिल की बातों के लिए ना कभी सॉरी नहीं बोलते। ओके?